हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो 30 वर्षों का विश्वास। छिंदवाड़ा आगमन पर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का हुआ हार्दिक स्वागत, प्रेस से हुए रूबरू। जिले के सांसद नकुल नाथ भी छिंदवाड़ा में, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में युवाओं से संवाद, प्रशिक्षुओं से चर्चा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सांसद नकुल नाथ ने की यातायात नियम परिपालन की अपील, खुद भी पहना हेलमेट। और पूरे जोर शोर से हुआ भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज, सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ दो दिवसीय प्रवास पर छिंदवाड़ा पहुंचे, यहां हवाई पट्टी पर उनका हार्दिक स्वागत हुआ। वे यहां पूर्व निर्धारित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। छिंदवाड़ा हवाई पट्टी पर सीएम कमलनाथ ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सिर्फ भाषणों में सबका साथ की बात करते हैं। पीएम ने बजट में मध्य प्रदेश की अनदेखी की है, प्रदेश को मिलने वाले बजट में कटौती इस बात को साफ दर्शाती है। कमलनाथ ने बढ़ते डीजल और पेट्रोल के दामों को लेकर कहा कि केंद्र की गलत नीति के परिणाम के चलते दामों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने छिंदवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने पर भी चर्चा की। बजट के कारण जो पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़े हैं, मध्य प्रदेश में भी इस प्रभावित हुआ है। इस कारण आज मध्य प्रदेश में बढ़ोतरी हुई है। बजट में 2700 रुपये मध्य प्रदेश को कम दिए हैं, विभिन्न योजनाओं में कम दिए हैं, तो ये अन्याय है मध्य प्रदेश के साथ। जब प्रधानमंत्री बात करते हैं कि हर प्रदेश के साथ न्याय होगा, ये पहला कदम जो है बजट, ये अन्याय का एक सबूत है। हाँ, छिंदवाड़ा को स्मार्ट सिटी बनाने की बात चल रही है, पहले स्मार्ट सिटी तो अभी शुरू हुई है ना। स्मार्ट सिटी का ट्रांसलेशन क्या है? स्मार्ट सिटी तो अभी 3-4 महीने से ही बात हुई है। स्मार्ट सिटी बनाने में 3-4 साल लगते हैं। पेट्रोल डीजल बढ़े सर एमपी में? सर बढ़े हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने जो बढ़ाया है, ये इसका आज परिणाम है। अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुल नाथ आज सुबह अशोक लीलैंड इंटरनेशनल स्कूल ऑफ ड्राइविंग सेंटर पहुंचे। यहां उन्होंने 1100 से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को ट्रेनिंग सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्रदान करते हुए शुभकामनाएं दी। यह ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देश में अपनी तरह का बेहतरीन सेंटर है, जहां सीएम कमलनाथ की मंशा के अनुरूप आदिवासी युवाओं को निशुल्क लाइट और हैवी मोटर व्हीकल्स की ड्राइविंग सिखाई जाती है, जिसमें हैवी जेसीबी, बड़े मालवाहक, डिगिंग एंड लोडिंग व्हीकल्स, जिनका इस्तेमाल खदानों और पहाड़ों में एक्सकेवेशन के लिए होता है, सभी प्रकार के वाहनों की ड्राइविंग में कुशल बनाया जाता है। लीलैंड ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सांसद नकुलनाथ का भव्य स्वागत किया गया। इस खास मौके पर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी, इंस्टीट्यूट के प्रबंधक और ट्रेनर्स के साथ बड़ी संख्या में प्रशिक्षु युवा मौजूद थे। सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्रदान करते हुए नकुलनाथ ने युवाओं को माता पिता और समाज सेवा की याद दिलाते हुए सभी को शुभकामनाएं दी। छिंदवाड़ा की पहचान, छिंदवाड़ा का विकास। अभी नीलेश भिवानी साहब और सभी लोगों ने मेरे पहले का नुक्कड़ नाटक में भी आपने देखा,
कि छिंदवाड़ा की अलग पहचान है। ये सब किस कारण है? कोई रिमोट दबा के अचानक आसमान से सब कुछ नहीं टपकता। जब तक मेहनत और शक्तिशाली आदमी हमारे पास नहीं है, हमारा भाग था कि हमको 80 में कमलनाथ जी मिले, और कमलनाथ जी हर परिवार का मुखिया, हर परिवार का कहा उन पर है, और कमलनाथ जी ने कभी किसी परिवार को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अमीर गरीब किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनसे अलग है। बीमारी की बात हो, इलाज की बात हो, नौकरी की बात हो, कौन सा काम जो काम असंभव लगता है वो भी कमलनाथ जी सबके कराते हैं। ये अशोक लेलैंड का ड्राइविंग स्किल सेंटर, जिसमें 1100 को वन विभाग के द्वारा कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से सहायता से ट्रेनिंग दी जा रही है, इस तरह भी नकुल डीएस मेरी बात हो रही थी कि आने वाले समय में और नए सेंटर और नए इसमें जो अभी तक इसमें सीटें हैं, इन सबको 200-500 अलग अलग सेंटरों में, हर सेंटर में अकुल भाई के लिए प्रयास है कि आने वाले समय में और भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बेटे बेटियों को, भाई बहनों को, सबको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले। बड़ी बड़ी कंपनी यहाँ पे आए और उसके माध्यम से कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी दोनों के माध्यम से हम सबको, हमारे गरीब परिवार के लोगों को, किसान के बेटों को, सबको अच्छी से अच्छी जिंदगी जीने का मौका मिले। आज देश और विदेश में कमलनाथ जी के कारण, पूरा सहयोग नकुलनाथ जी का शुरू से रहा है, आपके कारण हम सब लोगों के यहाँ के लोगों की स्थिति बदली हुई है। विषम परिस्थिति में जब मध्य प्रदेश की सरकार बनी, पूरा खजाना खा लिया हमने, बहुत सारी कमलनाथ जी ने बहुत सारी घोषणाएं की हुई, हमारा वचन पत्र में कहा हुआ है, उसमें कुछ दिक्कत समय लग रहा है। सबसे बड़ी समस्या थी हमारी कर्ज माफी, 55 लाख करोड़ का 50 लाख किसानों को कर्ज माफ होना था, 39% लोगों का हुआ है। अभी 2 दिन पहले कमलनाथ जी के साथ छिंदवाड़ा जिले के लोगों की बैठक हुई, उसमें तय हुआ है कि जल्दी से जल्दी जो शेष बचे हुए हमारे किसान भाई हैं सबके खाते में 2-2 लाख रुपए की राशि आए, उनको खाद बीज मिले, और इसके साथ साथ अन्य जो कार्यक्रम कमलनाथ जी ने करे हुए हैं वो उसमें जैसे अभी बहुत सारे कार्यक्रम चालू कर दिए गए, पेंशन बढ़ाने की बात हो, सामूहिक विवाह की बात हो, विकास की बात हो, विकास के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे जिले में 11 विकास खंडों में सिंचाई का परसेंटेज बहुत कम था, 7% भी नहीं था। आज कमलनाथ जी की कृपा से आने वाले 4 साल में नकुलनाथ जी के प्रयास से हमारी 9,500 करोड़ की केवल सिंचाई योजनाएं आ रही हैं, हमारा जो आ रहा है यूनिवर्सिटी आ रही है, हमारे कॉलेज आ रहे हैं, श्रम विद्यालय आ रहा है, आयुर्वेदिक विद्यालय आ रहा है, हमारे एग्रीकल्चर कॉलेज, हॉर्टिकल्चर कॉलेज, 260 करोड़ का जेल, और छिंदवाड़ा को स्मार्ट सिटी, इसके साथ साथ सभी विकास खंडों में अलग अलग योजनाएं, शिक्षा के केंद्र, ये सारी संस्थान जो खोले जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा 7-1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन जो सबसे पहली प्राथमिकता है वो किसानों की और बेरोजगारों की, और बेरोजगारों के लिए कमलनाथ जी जो सेंटर खुलवा रहे हैं, इसके माध्यम से आने वाले समय में 30-40 हज़ार लोगों को जो हमारे संस्थान खुलेंगे, इसमें चाहे हमारा टेक्सटाइल पार्क हो, फूड पार्क हो, और जो अन्य संस्थान, अन्य कंपनियाँ कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी यहाँ लेके आ रहे हैं, उसके माध्यम से सब लोगों को बाहर भटकना नहीं पड़े, सबको यहाँ अच्छा से अच्छा रोजगार मिले, और जो हमारे गरीब छात्र छात्र हैं, किसान के परिवार के बेटे, मजदूरों के बेटे हैं, जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाए, उनको 5-10 हज़ार की 30-40 हज़ार रुपये की 50 हज़ार की नौकरी इन सेंटरों के माध्यम से, जो यहाँ पे एक सेंटर आपका ड्राइविंग इंस्टीट्यूट सेंटर है, इस तरह के सेंटर के माध्यम से सबका जीवन अच्छा से अच्छा बने, ये कमलनाथ जी की सोच है। अशोक लेलैंड का ये जो ड्राइविंग स्कूल है, ये मेरा पहला अवसर है कि जो मैं यहाँ आ पाया हूँ, कि हमारा छिंदवाड़ा जिला पूरे मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में एक मॉडल जिला बने, और आज उनको भी खुशी है और मुझे भी बहुत खुशी है कि पूरे मध्य प्रदेश में आज हमारा छिंदवाड़ा जिला एक मॉडल जिला के तौर पे जाना जाता है। आप सब जानते हैं कि अभी लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं, और आप सब लोगों ने मुझसे सवाल किए थे कि कमलनाथ जी ने इतना विकास किया है, आपका सपना छिंदवाड़ा जिले के लिए क्या होगा? तो मैंने अपने युवा साथियों को बताया था, उनकी मांग थी, कई सालों से मांग थी, कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में एक विश्वविद्यालय, एक यूनिवर्सिटी खोला जाए, और मुझे बड़ी खुशी होती है आपको ये बताने कि जब लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और मध्य प्रदेश शासन
की पहली बैठक हुई, मैंने शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ जिद पकड़ ली कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में एक यूनिवर्सिटी खुलनी चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने मेरी जिद को मंजूरी दी और जल्द ही हमारे छिंदवाड़ा जिले में एक यूनिवर्सिटी खुलने जाएगा। आप सब जानते हैं, जैसा कि आपने नाटक में देखा, कि हमारे छिंदवाड़ा जिले में मेडिकल कॉलेज खुल गया है। मेडिकल कॉलेज तो खुल गया है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि साथ साथ 1200 बेड का मेडिकल कॉलेज का अस्पताल का काम भी शुरू हो गया है। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी है कि पूरे मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य भारत में छिंदवाड़ा एक एजुकेशनल हब के अलावा एक मेडिकल हब के नाम से जाना जाएगा। यहां हमारे जिले में 33% जमीन फॉरेस्ट के नीचे आती है। यहां हमारे बीच में हमारे तेंदू पत्ता समिति के भी भाई बहन बैठे हुए हैं। विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी आपने मांग रखी थी वो मांग मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने रखी है और अपने किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आपको बहुत गुमराह किया कर्ज माफी के मामले में, लेकिन मैं आप सब के माध्यम से अपने किसान भाइयों को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार, कमलनाथ जी वचनबद्ध है। हमने कहा था 2 लाख तक का किसानों का कर्जा माफ होगा और मुझे खुशी है आपको ये बताते हुए कि किसानों का कर्ज माफी का दूसरा चरण चालू हो चुका है और जल्द से जल्द ही सारे किसानों का कर्जा माफ होगा। अंत में मैं अशोक लेलैंड को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आपको जानकारी देना चाहता हूं कि 500 छात्रों के लिए इस संस्था में एक हॉस्टल का काम जल्द ही शुरू होगा। हर महीने 250 छात्रों को अनुसूचित जाति जनजाति विभाग द्वारा ट्रेनिंग दिया जाएगा। हर महीने 250 छात्रों को यहां से ट्रेनिंग दिया जाएगा और प्रदेश भर से आने वाले जितने भी ट्रेनिंग के छात्र हैं उनका लाइसेंस भी इसी संस्था से दिया जाएगा। इन सब कामों के लिए मैं एक बार फिर अशोक लेलैंड और मध्य प्रदेश वन विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दो दिवसीय प्रवास पर अपने संसदीय क्षेत्र छिंदवाड़ा पहुंचे सांसद नकुलनाथ ने आज सड़क सुरक्षा के लिए यातायात विभाग, पुलिस एवं रोटरी क्लब द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद नकुलनाथ ने सभी को सुरक्षित सफर के लिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट जरूर पहनने और फोर व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि युवा इस काम को अभियान के रूप में स्वयं की जिम्मेदारी समझकर अपने हाथों में ले तो निश्चित ही सड़कों पर मृत्यु दर को हम रोक सकते हैं।
यातायात विभाग और पुलिस तथा रोटरी क्लब द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में संबोधित करते हुए नकुल ने युवाओं को माता पिता और समाज के प्रति जिम्मेदारी याद दिलाते हुए कहा कि जब हम सुरक्षा उपायों का प्रयोग नहीं करते और जिंदगी का रिस्क लेते हैं तब हम अपने माता पिता और अपने अपनों के लिए लापरवाह हो जाते हैं। दुर्घटनाओं से बचने की सलाह देते हुए उन्होंने सभी को सुरक्षित यातायात सुखद जीवन की शुभकामनाएं दी। भैया हेलमेट डिजाइन है अभी इसी के साथ रैली निकलेगी और ये बैंक यातायात चौकी पे बना दिया तो उसको रोटरी और यातायात पुलिस छिंदवाड़ा मिलके इसको जी जी। इस मौके पर नकुलनाथ ने खुद भी हेलमेट पहना और हेलमेट जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भैया संदेश क्या रहेगा युवाओं के लिए? ले लो ना, वाहन ध्यान से चलाएं, सुरक्षा को ध्यान में रखें, कोई नशा करके वाहन ना चलाएं। नकुल जी आजकल दुर्घटना इतनी बढ़ गई है, मेरा युवा साथियों के लिए ये यकीन है हेलमेट पहने, धीमे गति से गाड़ी चलाएं, सुरक्षा सबसे प्राप्त है। खबरों के सप्ताह को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए सिटी हलचल। श्री बालाजी फन एंजॉय वाटर पार्क बस स्टैंड से मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर महाकौशल का सबसे बड़ा वाटर पार्क जो कि 6 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें आपको सभी प्रकार की स्लाइड्स जैसे ब्लैक होल, सोफा स्लाइड, ड्रैगन स्लाइड जैसी छोटी बड़ी लगभग 25 स्लाइड्स उपलब्ध, जिसमे शानदार बड़े बड़े स्विमिंग पूल एवं बकेट व किड्स पूल उपलब्ध है, जिसमे फैमिली व अन्य के लिए अलग अलग 2 रेन डांस फ्लोर उपलब्ध। बच्चों के लिए ओपन प्ले ग्राउंड,
रेस्टोरेंट, द पार्टी हेतु लॉन क्लब। विजिट श्री बालाजी वाटर पार्क चांद रोड बिजली पावर हाउस के सामने सारसवाड़ा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश। जिले का एकमात्र सर्व सुविधा युक्त लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल शहर के बीचों बीच शांत एवं सुरम्य वातावरण के बीच स्थित लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, जहां आप पाएंगे अपने घर जैसी सुविधा अपने घर जैसे माहौल के बीच। लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल 24 घंटे पानी एवं बिजली की सुविधा, पीने के पानी हेतु आरओ की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त फर्नीचर, नव निर्मित इमारत, पढ़ाई के लिए शांत वातावरण, बाइक स्टैंड एवं पार्किंग की सुविधा, सोलर गीजर द्वारा गर्म पानी की सुविधा, वाईफाई की सुविधा के साथ साथ पूर्णता वातानुकूलित रूम एवं प्रशिक्षित कुक द्वारा स्वादिष्ट भोजन के साथ मेज की सुविधा। तो आइए, आपका स्वागत है जिले के सबसे बड़े और सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल में, लक्ष्मी नारायण बॉयज हॉस्टल, परासिया रोड, साई मंदिर के पीछे, वार्ड नंबर 45, छिंदवाड़ा। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, एसी लग्जरी रूम, 2 एसी हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धोनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और आगे बढ़ते खबरों में। संभाग कमिश्नर राजेश बहुगुणा भी आज छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने जिले के सभी विकास खंडों के शाला प्राचार्यों की बैठक लेकर शैक्षणिक गुणवत्ता के उन्नयन और शासकीय योजनाओं के शत प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए। क्योंकि आप लोगों को मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि अगर हम दर्जा 1 से लेकर और दर्जा 5 तक की पूरे सिलेबस को अगर हम देखें, तो उस पूरे सिलेबस को अगर बिल्कुल रॉ लड़का भी है तो हम उसे 6-8 महीने में हम उस लेवल पे ला सकते हैं अगर हम उस पर पर्सनलाइज अटेंशन करते हैं। लेकिन 5th से जैसे ही हम 6th में जाते हैं तो एक जिसको कहते हैं क्वांटम डिफरेंस क्रिएट हो रहा है सिलेबस के साथ, और इसलिए 6, 7, 8 जो है हमारे लिए सबसे क्रूशियल। 6, 7, 8 में अगर 8 में जो लेवल एक्सपेक्ट किया गया है, अगर वो 8 का लेवल उस बच्चे ने अचीव किया हुआ है तो आप लोग जानते हैं कि 9th और 10th जो है वो जनरल सब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आएगी उसको भी से कवर करने में। 10th के बाद जब 11th में जाते हैं और जब सब्जेक्ट्स स्पेसिफिक होने लगते हैं तब थोड़ी सी दिक्कतें पड़ती हैं। तो अगर छिंदवाड़ा को लें तो छिंदवाड़ा और जो छिंदवाड़ा में कुछ जो बहुत वल्नरेबल है, और वहाँ पर हमारा अपना एजुकेशन सिस्टम, और अगर ये एजुकेशन सिस्टम पर ही सारी जिम्मेदारी, अगर गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम को समझे हैं तो आपके संयुक्त संचालक तिवारी जी को ही कहा था, क्योंकि तो बड़ी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात हो रही थी, तो मैंने कहा था कि शिक्षा का मतलब ही है कि एक स्टैंडर्ड लेवल, अगर उससे नीचे है तो वास्तव में वो शिक्षा ही नहीं है, और इसलिए मैंने अब गुणवत्तापूर्ण शब्द को खुद ही हटाना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि स्टैंडर्ड एजुकेशन जो मानक शिक्षा है उस लेवल पर हमको कैसे होंगे, और अगर हम वो मानक शिक्षा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं तो वास्तव में हम लोग जिस सोसाइटी के लिए हम लोग बने हैं उस सोसाइटी के साथ जस्टिस नहीं करते। समूचे देश में आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान पूर्व मुख्यमंत्री एवं राष्ट्रीय सदस्यता अभियान प्रभारी शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। छिंदवाड़ा में गुलाबरा स्थित नीलकंठेश्वर मंदिर के पास कार्यक्रम आयोजित कर सदस्यता अभियान का शुभारंभ हुआ।
इस मौके पर प्रदेश प्रभारी विनोद गोटिया, प्रदेश मंत्री कन्हैयाराम रघुवंशी, पूर्व विधायक चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष रमेश पोफली, मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता, वैश्य महासभा प्रांतीय सचिव विजय झांजी सहित नेतागण मौजूद थे। क्या हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। क्या हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती के अवसर पर एकत्र हुए हैं। हमारे मंत्री आज मुक्त मार्गदर्शन करने के व्यक्ति थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रदेश के महामंत्री और संस्कार धनी में जिनका निवास है, ऐसे हम सबके चिर परिचित माननीय विनोद जी गोटिया प्रमुख अतिथि के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। साथ ही में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा संपूर्ण देश में और सदस्यता अभियान चालू किया गया है। हमारा सदस्य बने हैं, उनको सदस्य नहीं बनना है, लेकिन हमारी सदस्यता में 20% की बढ़ोतरी हो, इसे 8080080 इस नंबर के आधार पर और हम सभी सदस्य बनाने के दृष्टि के नए को पुरानी सदस्यता थी उससे 20% हमारे यहाँ 1.5 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। आज भी कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में हमारी सदस्य की खामी हमें खलती है, और ये खामी और नहीं पहुँचने का कारण है कहीं ना कहीं संगठनात्मक व्यवस्था हमारी कमजोर है। ये अवसर हमारे हाथ में है कि हम अधिक से अधिक सफल बना के भारतीय जनता पार्टी को और सुदृढ़ करें। इसलिए आज ऐसे कार्यक्रम आयोजित करना चाहते हैं जनता के बीच में अलग अलग माध्यम से बात कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुभारंभ आज से किया है और 11 अगस्त तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। 11 अगस्त तक सदस्यता का कार्यक्रम चले, उसके बाद सभी सदस्यता का कार्यक्रम होगा। सदस्यता के बारे में बहुत विस्तार से अपनी बात करती है, कैसे बढ़ना है, क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें उसमें बताएंगे। डॉक्टर साहब 1901 में पैदा हुए और 1953 में उनका अवसान हो गया। हम सब जानते हैं कश्मीर के मामले को लेकर उसकी खेल के अंदर भक्ति हुई, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई तो हमारा मानना है कि हत्या कराई गई। आज का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व की शुरुआत का कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर 3 वर्ष में अपनी सदस्यता को 20% बढ़ाने का काम करती है। इस बार भी हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश में सदस्यता के लक्ष्य को, पिछली बार जब हमारा सदस्यता का पर्व हुआ था तो हमने 1 करोड़ सदस्य बनाए थे, लेकिन इस बार हमने लगभग 80% तक अपने टारगेट को बढ़ाने का प्रयास किया है। इसलिए इस बार हम लगभग 85 लाख पूरे प्रदेश में मेंबरशिप को बढ़ाने का काम करेंगे, ऐसा टारगेट लिया है। उसके अंतर्गत हमारा जो छिंदवाड़ा ज़िला है, छिंदवाड़ा ज़िले में हमने 1.5 लाख नए सदस्य बनाना है पुराने सदस्यों के अलावा, इस टारगेट को लिया है। आज पूरे देश में हमारे संगठन पर्व की शुरुआत हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में सदस्यता का अभियान का नेतृत्व करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी हैदराबाद में करने वाले हैं, और इस तरीके से एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता कहीं ना कहीं उपस्थित रह के हमारे जो इस पूरे पर्व के सदस्यता के अभियान के राष्ट्रीय प्रभारी हैं और हमारे नेता शिवराज सिंह जी चौहान वो हरियाणा में रहने वाले हैं, इसी क्रम में मैं भी आज यहाँ उपस्थित हूँ और हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को आज से प्रारंभ कर रहे हैं। सर्वस्पर्शी भाजपा और सर्वव्यापी भाजपा,
हर भौगोलिक इकाई तक पहुंचने का प्रयास और हर समाज के व्यक्ति को जोड़ने का काम आज से हम शुरू करेंगे। 11 अगस्त तक हमारी साधारण सदस्यता का ये पर्व चलेगा, उसके उपरांत 11 अगस्त से लेके और 25-26 अगस्त तक हमारा सक्रिय सदस्यता का अभियान चलेगा। उसी क्रम में आज ये कार्यक्रम यहाँ पर था। ऐसे 4-5 दिन भर में छोटे बड़े कार्यक्रम छिंदवाड़ा नगर के अंदर हैं, छिंदवाड़ा जिले के अंदर ऐसे लगभग 35-40 स्थानों पर छोटे बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं जहां सदस्यता का अभियान आज से शुरू होगा। उसके बाद लोग दरवाजे दरवाजे जाके बूथ बूथ पे जाके और सदस्यता के अभियान को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा पर्यावरण संवर्धन के लिए अभियान के अंतर्गत रेलवे स्टेशन परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। चलो पानी डाल देता हूँ। अरे बे राहुल कंकड़ पत्थर डाल रहा है, आप ऐसे डालना नहीं है पत्थर में। अरे दो मिनट इधर चेयर आज भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा और चूंकि मैं रेल मंडल सलाहकार समिति सदस्य भी हूँ और रेलवे से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हूँ, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक जो थे उनकी जयंती के अवसर पर युवा मोर्चा द्वारा रेलवे स्टेशन में आज वृक्षारोपण किया गया और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो संदेश लेकर पूरे विश्व में प्रचारित कर रहे हैं कि पर्यावरण का संरक्षण हो और जल का संरक्षण किया जाए, उसी संदेश को लेकर आज युवा मोर्चा द्वारा स्टेशन कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का एक चित्र भी भेंट किया गया और साथ ही यहाँ पे स्टेशन क्षेत्र में पूरी प्लानिंग के साथ पौधे वृक्ष लगाए गए कि इस तरीके से लगाए गए हैं सारे पौधे कि वो बड़े हों और भविष्य में वो पौधे बड़े होकर के शीतल छाया प्रदान करें और उनको देख रेख करने का काम भी हमारे जो युवा मोर्चा के युवा साथी हैं और कार्यकर्ता हैं हम लोग आकर के करेंगे। और आज हमने छोटे वृक्ष लगाए और भविष्य में जब ये वृक्ष बड़े होंगे तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को बता सकेंगे कि हमने स्टेशन में वृक्ष लगाए थे और आज ये छाया प्रदान करते हैं। जय हिंद भारत। हमारे कृषि प्रधान देश में खेती को लेकर युवाओं में अभिरुचि का कम होना चिंता का विषय है। प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कृषि क्षेत्र को उन्नत करने के लिए अपनी दूरगामी सोच को हकीकत का रूप दिया है और अब छिंदवाड़ा में कृषि महाविद्यालय और उद्यानिकी महाविद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं। कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा बच्चों को समुचित जानकारी के लिए स्कूलवार कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। उत्कृष्ट विद्यालय मोहखेड़ में आयोजित कैरियर गाइडेंस सत्र में खाद्य विज्ञान वैज्ञानिक डॉक्टर डीसी श्रीवास्तव, डॉक्टर आरके झाड़े और पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी वैज्ञानिक डॉक्टर चंचल भार्गव ने कृषि विज्ञान एवं उद्यानिकी क्षेत्र में विषयों का चयन, प्रतियोगी परीक्षाओं और बेहतर भविष्य निर्माण के लिए महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत ही खुल रहा है तो ये हमारे लिए, हमारे जिले के लिए और आप सबके लिए बहुत गौरव की बात है और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे मैडम ने बताया पूरे देश में 71 कृषि विश्वविद्यालय है, 71, उसमें से हमारा जो कृषि विश्वविद्यालय है उसकी सहभागिता है, हम सभी की सहभागिता है। ऐसा नहीं आपका भी इसमें योगदान है, सभी का योगदान है। तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए जाते हैं, उसके आधार पर किसी भी विश्वविद्यालय की रैंकिंग बनाई जाती है। अभी जो आप लोगों का समय है जिन्होंने कृषि अपना विषय चुना है, अभी हम 11th-12th में कृषि की पढ़ाई करेंगे, उसके बाद सर ने बताया उसके लिए हम लोग PAT 5 करेंगे, प्री एग्रीकल्चर टेस्ट, या फिर ICAR ग्लोबल अपना इंडिया लेवल का एक एग्जामिनेशन होता है, CPAT कहते हैं हम लोग उसको, सेंट्रल PAT, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी कृषि की बॉडी में हम लोग इसको कह सकते हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सबसे बड़ी संस्था पूरे विश्व में, इसको ICAR के नाम से जाना जाता है और इससे संबद्धता है, मतलब कृषि से संबद्धता है। तो इसने जो अपने विश्वविद्यालय स्थापित किए पूरे देश में वो 71 कृषि विश्वविद्यालय है और जिसके अंतर्गत कृषि के शिक्षा प्रदान की जाती है, उसमें आपको एडमिशन मिलेगा। उसके बाद
सेंट्रल पीएचडी करेंगे तो ये देश के जितने 71 कृषि विश्वविद्यालय है उसमें से किसी कृषि विश्वविद्यालय में आपका एडमिशन होगा। देखिए उसके लिए आपको अभी जो मौजूदा स्तर है आपका 11-12 इसकी पढ़ाई अच्छे से करनी है, इसको आपको बहुत ही पुख्ता तरीके से और अच्छे से समझ आता है। हम लोग भी इसको अपना कैरियर चुन सकते हैं। अब जैसे हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम सभी वैज्ञानिक हैं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले पीएचडी फाइट करी, उसके बाद में बीएससी एग्रीकल्चर किया। बीएससी एग्रीकल्चर का जो स्थानीय टाउन हॉल में आज लोधी समाज की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सामाजिक संगठन को मजबूती प्रदान करने सदस्यता अभियान की रणनीति बनाई गई। लोधी समाज के बड़ी खुशी, मेरा एक सुझाव है, सबसे पहले आप लोग कभी सुनेंगे, मेरा एक सुझाव है कि हमारा समाज छिंदवाड़ा जिले में नहीं पूरे देश में प्रदेश में बहुत बड़ा है। जो कारकारिणी बनी है, कारकारिणी की योजना कैसे चल रही है ये जानकारी हमें नहीं रहती, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक सुझाव देता हूँ कि जिला स्तर की कार्यकारिणी फिर से की बनाए और एक बैठक फिर से की एक हफ्ते के अंदर लेनी पड़ेगी और गांव गांव जाकर पंचायत स्तर पे एक अध्यक्ष नियुक्त करना पड़ेगा। जब कहीं ये कार्यकारिणी इतना बड़ा कार्यक्रम है, ये 2-2.5 लाख लोगों को इकट्ठा करना और उसकी सूची बनाना बहुत असंभव वाली बात है, क्योंकि मैं भी ऐसा राजनीतिक क्षेत्र में घूमता हूँ और काम करता हूँ तो मुझे पता है कि मतलब कितनी तकलीफ वाली बात है ये सभी लोग को इकट्ठा करना है कि घर जाना फॉर्म भरना, कभी कोई किसी गांव में गए तो पता चला 10 लोग किसी शादी में गए किसी ब्याह में गए, पंचायत स्तर पे एक अध्यक्ष नियुक्त करते हैं तो उसका वो अपनी कार्यकारिणी बना के ये सारे सर्वे और सर्वे फॉर्म भर के और जानकारी इकट्ठी करके सब नगर अध्यक्ष को पहुँचाएगा, नगर अध्यक्ष इकट्ठे करके फिर जिला अध्यक्ष के पहुँचाएगा, लेकिन सबसे पहले हमको कार्यकारिणी बनाना है। ये कार्यकारिणी जल्द से जल्द बना के आप प्रकाशित करें और से क्या सबको जानकारी फटाफट मिलती जाए, व्हाट्सएप ग्रुप है, प्रदेश स्तर पर है, राष्ट्रीय स्तर पर है। शालिग्राम विश्वकर्मा सांस्कृतिक कला समिति के तत्वावधान में आज स्थानीय रविंद्र भवन में अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया गया। इस शानदार समारोह और समिति का प्रयास निश्चित ही जिले की प्रतिभाओं के लिए लॉन्च पैड साबित होगा। Ah!
जोरदार तालियां। पी ग्रुप में सेकंड प्राइज विनर है विशिष्ट शुक्ला। अनिरुद्ध सिंह ठाकुर, जोरदार ताली बजाएंगे, ये फर्स्ट विनर है। और इंस्ट्रूमेंटल में प्रशांत नंदनवार, इंस्ट्रूमेंटल में। अब डांस में सेकंड पोजीशन पर है स्नेहा सिंह। सेकंड जो विनर है वो यहां पे उपस्थित नहीं है। और अब इन तमाम खबरों को समेट देखते हैं सुर्खियां। सुर्खियों के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो, 30 वर्षों का विश्वास। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो, 30 वर्षों का विश्वास। छिंदवाड़ा आगमन पर इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का हुआ हार्दिक स्वागत, प्रेस से हुए रूबरू। जिले के सांसद नकुलनाथ भी छिंदवाड़ा में, ड्राइविंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में युवाओं से संवाद, प्रशिक्षुओं से चर्चा। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने सांसद नकुलनाथ ने की यातायात नियम परिपालन की अपील, खुद भी पहना हेलमेट। और पूरे जोर शोर से हुआ भाजपा के सदस्यता अभियान का आगाज, सभी वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। इस बुलेटिन में खबरों का सफर नाम फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक लीजिए अनुमति, नमस्कार।